गुड मॉर्निंग क्लास वन, आप लोगों को मैम ने इंग्लिश लिटरेचर और वर्कबुक पढ़ाया था। चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है? देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। ओके, चलिए हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन जो है वो है लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक? ओके, आप अपना इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर वन, लेसन नंबर वन, लेटर ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है हेलो, वी आर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? देयर आर 26 लेटर्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने LKG में भी पढ़ा था, UKG में भी पढ़ा था ना। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। उनको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स। दीज आर द कैपिटल लेटर्स, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, दीज आर द कैपिटल लेटर्स, क्लियर? एंड दीज आर द स्मॉल लेटर्स। देखो दोनों को लिखने का तरीका अलग है, ये तो आप जानते हो। और हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर्स जो कि कोई सेंटेंस लिखने लगते हैं तो उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल्स होते हैं, या नेमिंग वर्ड्स, या कोई एक कोई किसी चीज़ का नाम लिखना या कोई जगह का नाम लिखना है तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं ना उसके। तो ये कैपिटल लेटर्स और ये स्मॉल लेटर्स। ओके, नीचे देखो एक बहुत मज़ेदार गेम है। आप अपने पास दो कलर ले लेंगे, एक पिंक कलर और एक ब्लू कलर। देखो बोल रहा है, कलर द क्लाउड्स विच हैव कैपिटल लेटर्स पिंक एंड दोज विच हैव स्मॉल लेटर्स ब्लू। देखो ये क्लाउड्स बने हुए, बादल बने हुए ना, उसमें हमें कलर करना है। क्या करना है? जिसमें कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम लोगों को किसे कलर करना है? पिंक कलर से कलर करना है। और जिसमें स्मॉल लेटर्स हैं उनको हमें किसे करना है? ब्लू कलर से। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, देखो ये जो है हमारा ए, दिस इज द कैपिटल और स्मॉल? कैपिटल। तो इसको किस कलर से कलर करेंगे? पिंक कलर से, क्लियर? फिर यहाँ बनेंगे डी, डी फॉर डॉग। ओके, डॉल भी हो सकता है, डॉल्फिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये कौन सा लेटर है? कैपिटल है, तो इसको किस कलर से कलर करेंगे? पिंक। ओके, दिस इज द टी, टी फॉर टॉय, ट्री। ओके, दिस इज द स्मॉल लेटर, इसको किस कलर से कलर करेंगे? ब्लू। ओके, कर लेंगे ना। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे आपको खुद ढूंढना है, खुद करना है। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, इस पे तो बड़ा मज़ेदार काम है, ये तो आप लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, है ना, और करना भी वैसे ही है। यहाँ पर दो एरिया बने हुए हैं, दो सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है? एक पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स और एक पे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स। तो हमें कैपिटल वाले पे के नीचे कैपिटल लेटर लिखना है और स्मॉल वाले में स्मॉल लेटर लिखना है, और एक बॉक्स में सिर्फ एक लेटर लिखना है। जैसे मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ओके, देखो ये दिस इज द कैपिटल लेटर्स, यहाँ लिखा हमने ए। ओके, कैपिटल लेटर, दिस इज द बी, सी, डी, ठीक है? अब यहाँ पर ई, एफ, जी, एच, सब कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, दिस इज द ए,
बी सी डी है ना, फिर उसी तरह ई एफ जी एच, यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर्स करने हैं। क्लियर? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। आगे इस पेज पे कहा गया है लेटर्स लर्न, हमें जानना है, ये आपको होमवर्क है ऊपर वाला जो अभी मैंने बताया। ओके, द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स, दे आर फाइव वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये आप लोग ने क्लास एलकेजी से सीखते आ रहे हो ना, आप तो क्लास वन में पहुंच के बड़े हो गए हो, अब तो आपको पता भी होगा ये बात तो। ठीक, तो कितने वॉवल्स हैं? फाइव वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ एंड यू। ओके, और जब फाइव वॉवल्स हमने निकाल दिए तो कितने कॉन्सोनेंट्स बच जाएंगे? 26 में से अगर मान लो फाइव वॉवल्स निकल गए तो कितने कॉन्सोनेंट्स बचेंगे? 21 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। क्लियर? फाइव निकल गए 26 में से, 26 लेटर्स है ना अल्फाबेट में से, 26 में से 5 माइनस करो कितने बचे? 21, तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, जो बाकी के लेटर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया पेज नंबर 2 तक। ये आपका होमवर्क है, आपको उधर कलर करना है क्लाउड्स में और यहाँ पर एबीसीडी लिखनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉपी का काम पहले करेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज ओके करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।